हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी पल्स पीढ़ी साथियों का हमारे एसटी न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए जो न्यूज़ लेकर आए हैं वो कोई 50,000 या 1,00,000 रुपए के देने की झूठी न्यूज़ लेकर नहीं आए हैं। यहाँ पर वो न्यूज़ लेकर आए हैं जो इस वक्त पल्स मैटर पर जो चल रहा है उसके बारे में जैनमैन न्यूज़ लेकर आए हैं। दोस्तों, इस न्यूज़ में जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि ठगी के मामले में पर्ल ग्रुप के डायरेक्टरों को पेशी के बाद होटल ले गई दिल्ली पुलिस। भटिंडा पुलिस ने की छापेमारी। पूरी खबर क्या है दोस्तों, ये है कि वीआईपी ट्रीटमेंट देने पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मुलाजिमों पर कार्रवाई में के लिए लिखा। जी हाँ दोस्तों, ये पुलिस कार्रवाई दिल्ली पुलिस के लिए कराई जाएगी। जो भटिंडा पुलिस ने छापेमारी में इन कंपनियों के डायरेक्टरों को होटल में पकड़ा गया, क्योंकि यहाँ पर ये भटिंडा पुलिस के मुताबिक ये जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है, चलिए पढ़ते हैं पूरी रिपोर्ट क्या है। निवेशकों से करोड़ों रुपए की ठगी के मामले में नामजद पर्ल ग्रुप के दो डायरेक्टरों को दिल्ली पुलिस की ओर से वीआईपी ट्रीटमेंट देने का मामला सामने आया है। मामला भटिंडा के पुलिस अधिकारी के पास पहुंचने पर मामले में संबंधित दिल्ली पुलिस मुलाजिमों पर कार्रवाई के लिए एसएसपी भटिंडा ने दिल्ली पुलिस को लिख दिया है। बता दें कि पर्ल निवेशकों के करोड़ों रुपए ठगी के मामले में थाना कैंट में 2016 में कंपनी एमडी निर्मल भंगू और उसके साडू सुखदेव सिंह और कंपनी के दो निदेशक गुरमीत सिंह और सुप्रीमो भट्टाचार्य के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश पर केस दर्ज किया गया था। केस दर्ज होने के बाद से भंगू भटिंडा जेल में बंद है, जबकि बाकी तीनों तिहाड़ जेल में है। दिल्ली पुलिस के एसएसआई अंतर सिंह ने बताया कि पुलिस मुलाजिमों के साथ पर्स कंपनी के निदेशकों गुरजीत सिंह व सुप्रो भट्टाचार्य को पेशी पर दिल्ली से भटिंडा पहुंचे थे। पेशी के बाद दिल्ली पुलिस तुरंत दिल्ली के लिए रवाना की बजाय आरोपियों समेत कोतवाली इलाके में पड़ने वाले होटल सनशाइन में चली गई। यहां दिल्ली पुलिस ने आरोपियों को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया। इसी बीच डीएसपी डी गुलदीप को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने होटल पर रेड की, तो तभी कोतवाली ले गए। यहां कोतवाली में रपट डालने के बाद पुलिस को समेत आरोपियों को दिल्ली के लिए रवाना कर दिया। एसएसपी डॉक्टर नानक सिंह का कहना है कि इस मामले में दिल्ली पुलिस मुलाजिमों की लापरवाही सामने आने पर उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस को लिख दिया है। यहाँ दोस्तों, पंजाब पुलिस ने ये एक दिल्ली पुलिस की बड़ी कमज़ोरी पकड़ी। उन्होंने जब देखा कि जब इनकी पेशी हो रही थी, वहाँ से लौटने के लिए दिल्ली लौटना था, लेकिन दोस्तों वहाँ पर ही किसी होटल में इन्होंने अपना कुछ ट्रीटमेंट वगैरह लिया, जिसका भनक भटिंडा पुलिस को लगी और भटिंडा पुलिस ने वहाँ पर छापेमारी की और इनको वहाँ से सीधा अपने थाने लेकर आई। वहाँ पर रपट लिखी इनके पुलिस के खिलाफ दिल्ली पुलिस के, और इन्हें फिर तुरंत ही दिल्ली रवाना कर दिया गया। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर आपको एसटी न्यूज़ चैनल से दी जा रही है और आपको आगाह किया जा रहा है कि इस वक्त पल्स मैटर पर जो गलत अफवाहें और न्यूज़ आ रही हैं दोस्तों, पैसे मिलने की 1,00,000-2,00,000 वाली, वे बिल्कुल भ्रमित हैं, उनमें किसी में ना पड़िए, क्योंकि सेबी वेबसाइट को गलत तरीके से उपयोग किया जा रहा है। उसकी जो नोटिफिकेशन आती है उसको मिटाकर ज्यादा दोस्तों आसानी से उसको साफ़ कर दिया जाता है और अपनी तरफ से कुछ भी उस पर लिखकर आप लोगों तक पहुंचा दिया जाता है, जिससे आपको ऐसा लगता है कि सेबी वाक्य ओरिजिनल साइट पर यह खबर है। तो दोस्तों, ऐसी खबर से आप बिल्कुल बेखबर रहें, जो हकीकत है वो जैनमैन है, वो आप तक पहुँच जाएगी। और सेबी वेबसाइट पर तो लगभग सारी वो नोटिफिकेशन आती हैं जो सेबी की तरफ से दी जाती हैं। दोस्तों, मिलते हैं।